जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से एक फैक्स नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आया है और इस नोटिफिकेशन जो है इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें रीमेडिकल की जानकारी बताई गई है और फाइनल मेरिट लिस्ट की जानकारी भी मैं इस वीडियो में दूंगा और इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको एकदम प्रॉपर तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है, इसका नोटिफिकेशन में क्या जानकारी वगैरह वगैरह हम पूरी देख लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया 29 जून 2020 को और ये एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी 2018 की भर्ती का है। ठीक है, ये डायरेक्टर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीआरपीएफ को एक नोटिस भेजा था गृह मंत्रालय ने कि जो भी आपकी जो भर्ती प्रोसेस है उनका क्या प्रोसेस में है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है, तो सीआरपीएफ ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है गृह मंत्रालय के लिए। तो ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय को भेजा गया था और वहाँ से लिख होके ये मेरे पास आए। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने भेजा है। तो ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय को भेजना था सीआरपीएफ को और इस नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय को जो बातें बतानी थी वही सारी बातें जो इस नोटिस में लिखी गई है तो वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने एक क्वेश्चन किया था सीआरपीएफ डिपार्टमेंट से कि आपके जो फ्यूचर 2018 19 20 में जो भी भर्ती चल रही थी उनका क्या स्टेटस है, मतलब वो भर्तियाँ कहाँ पहुँची, कितनी उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए गए थे। तो सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय के लिए ये नोटिस भेजा था और इसमें बोला गया है कि जो कुछ भी एसएससी जीडी 2018 भर्ती का ये नोटिस है और भी जो सीआरपीएफ की तरफ से जो भर्तियाँ चल रही है उनका अलग से नोटिस थे। ठीक है, वो नोटिस मेरे पास है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम की नोटिस है वो, लेकिन वो मेरे पास पड़ी है लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे काम की सिर्फ ये है एसएससी जीडी वाले। तो गृह मंत्रालय को इन्होंने एकदम साफ साफ बता दिया है कि 2018 वाली एसएससी जीडी भर्ती का प्रोसेस जो था वो फरवरी में ही कम्प्लीट हो गया था, सिर्फ और सिर्फ री मेडिकल बाकी था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो भर्ती प्रोसेस रुकाना पड़ा क्योंकि महामारी फैल रही थी और बच्चों को हम ऐसे सेंटर पर नहीं बुला सकते, वो क्या ऐसी बीमारी के एक दूसरे से छूने से वो बीमारी आपस में फैल जाती है। राइट, तो आप सोच सकते हो कि सीआरपीएफ ने जो कदम उठाया है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन हमें ऐसा मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें आज ही हमारा री मेडिकल करवा दो और आज ही हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करवा दो और आज ही हमें ज्वाइनिंग दे दो। हर किसी की ऐसी सिचुएशन हो गई, ये मेरे खुद में तक ऐसे विचार आ जाते क्योंकि मैं आप लोगों की तरह मेडिकल फिट हूँ। राइट, आप सबको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि हमारी हालत मतलब ऐसे हो गई है इंतज़ार करते करते कि मतलब बोल पूछो ही मत। राइट, लेकिन सब कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तब जाके जो अगली प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, ऐसी ही बातें इस नोटिफिकेशन में कही गई है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है और आप चाहो तो इस नोटिफिकेशन में को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सरकारी ड्रीम। ठीक है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें एकदम कहा गया है कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल था वो कंप्लीट हो चुका है, उसका सिर्फ री मेडिकल बाकी है, लेकिन कोविड-19 की वजह से सारा पोस्टपोन करना पड़ा, सब कुछ रोकना पड़ा और हालत जो कोविड-19 का जो मामला है थोड़ा अगर नॉर्मल होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो नॉर्मल होता है उसके बाद सारा भर्ती प्रोसेस वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो आपका री मेडिकल जुलाई में बिल्कुल शुरू नहीं होगा क्योंकि ट्रेन वगैरह सब बंद है। राइट, 15 अगस्त तक तो सब ट्रेन बंद है। राइट, आपने न्यूज़ में देखा होगा 12 अगस्त तक तो सारी ट्रेन बंद है, तो आप अपने सेंटर पे कैसे जाओगे? राइट, ट्रेन ही बंद है तो आप जाओगे कैसे? तो यही कुछ मसला है इस नोटिफिकेशन में, यही कुछ कहा गया था और ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है क्योंकि फेक नोटिफिकेशन मैं खुद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ कि ये फेक है। राइट, और वीडियो के थ्रू भी बता देता हूँ, लेकिन ये फेक नहीं है। ठीक है, इसमें जो कुछ जानकारी है एकदम रियल है और ये 29 जून 2020 का ही नोटिफिकेशन है। इसमें एकदम साफ साफ बता दिया है कि कोविड-19 की वजह से जो भी भर्ती रुकी है उनका प्रोसेस, कोविड-19 का मामला जो है थोड़ा कम हो जाएगा तब जाके सारी भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया था, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई 100% कर दूंगा। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सरकारी ड्रीम, आपको ये नोटिफिकेशन ऑफ मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अपलोड करते वक्त। तो बस मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।